नमस्कार दोस्तों जब से कुछ दिनों से यहाँ पर ओमिक्रोन वेरिएंट और लगातार जो केसेस बढ़ने की समस्या सामने आई है उसके बाद से आप सुन रहे होंगे कि एडिशनल कोविड डोज के बारे में या फिर थर्ड कोविड डोज के बारे में और यहाँ पर अक्सर बात भी कहा जा रहा है बूस्टर शॉट के बारे में तो कई लोग इसको इंटरचेंजेबली बोल देते हैं इनफैक्ट मैं अपने खुद वीडियोज़ के अंदर कई बार एडिशनल कोविड डोज थर्ड डोज बूस्टर शॉट इस तरह की बातें कहता हूं लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस होता है जब हम एडिशनल कोविड डोज की बात करते हैं और बूस्टर शॉट की बात करते हैं तो इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा तो वो है क्या एक्जैक्टली exactly? वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले यहां पर अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्टडी आईक्यू डॉट विजिट कर सकते हैं वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके अलावा एमसीक्यूज अटेंट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है हम इसकी चर्चा कर ही क्यों रहे हैं तो एक तो मैं आपको यह बता रहा था कि ओमिक्रोन वेरियंट आने की वजह से जो केसेस बढ़ है अक्रॉस दी नेशंस यहां सर भारत में धीरे धीरे रहा है यूरोप के अंदर आप देखिए क्या सिचुएशन है अफ्रीका हो गया तो उसकी वजह से जो बूस्टर शॉट की रिक्वायरमेंट है या फिर एडिशनल शॉट एडिशनल जैब की जो रिक्वायरमेंट है वो अब काफी ज्यादा हो गई है ऐसा चर्चा चल रहा है लेकिन ध्यान रखना अभी तक डब्ल्यू एच ओ या फिर भारत के अंदर इसको लेकर सच कुछ बोला नहीं गया है भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो ग्रुप है जिसका काम है जिसको बताना था इसके बारे में इसका नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ये लोग तो क्या हुआ था पिछले हफ्ते मिले थे और इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ पर इस पूरे इश्यूज के ऊपर आप ध्यान दीजिए मतलब कि क्या भारत के अंदर लोगों को बूस्टर शॉट या फिर एडिशनल डोज देना चाहिए नहीं देना चाहिए चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कब दिया जाएगा इसको लेकर पूरी यहां पर जिम्मेदारी दी गई थी इन्होंने आपस में बातचीत किया लेकिन अभी तक इनके द्वारा कोई फाइनल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया या आप न्यूज भी देख पाओगे मीटिंग जो हुआ है नो फाइनल रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल वैक्सीन डोज या फिर बच्चों के वैक्सीन को लेकर तो इन्होंने तो अभी के लिए कह दिया है कि हम इसको लेकर अभी सहमति नहीं जता पा रहे हैं और इनफैक्ट आप देख सकते हो पार्लियामेंट में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मानसुख मांडविया उनके द्वारा भी बोला, बोला गया कि ये जो ग्रुप है वो फर्दर साइंटिफिक एविडेंस जुटाने में लगी हुई है और जब भी ग्रीन सिग्नल आएगा बूस्टर डोज के लिए तो हम आपको उसके बारे में बता देंगे और जहां तक भारत के अंदर और भी वैक्सीन आने का सवाल है तो कुछ ही दिनों के अंदर काफी जल्द आपको दो और वैक्सीन भारत के अंदर देखने को मिलेगा ऐसा उनके द्वारा बताया गया है तो चलिए अब हम आते हैं और देखते हैं कि यहां पर एडिशनल डोज और जो बूस्टर शॉट है उसमें अंतर क्या होता है सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशनल डोज के बारे में ध्यान रखना जब मैं एडिशनल डोज की बात कर रहा हूं तो इसको थर्ड डोज भी कहा जाता है ठीक है लेकिन थर्ड डोज का नाम जो है वो हटा दिया गया था ये बोला गया कि हम थर्ड डोज की जगह एडिशनल डोज बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको क्यों ऐसा बोला जा रहा है लेकिन सबसे पहले चीज इसके अंदर ये याद रखना कि थर्ड डोज़ या फिर एडिशनल डोज ये उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है मतलब हर किसी की बॉडी अलग होती है डिफरेंट होती है लेकिन सपोज मान के चलो किसी की बॉडी के अंदर कोई डिजीज है कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी उसके बॉडी की इम्यूनिटी कम हो चुकी है यहाँ पर वो कोरोना वायरस से शायद फाइट नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है अगर उसने वैक्सीन डोजेस कंप्लीट कर लिया है सपोज कोवैक्सीन है या फिर कोविशील्ड है दोनों डोज वो ले रखा है यहां पर लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उसकी बॉडी यहाँ पर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है उसका इसलिए हो सकता है कि उसके बॉडी में उतना एंटीबॉडी नहीं होंगे और वो कोरोना वायरस से शायद अच्छे से नहीं लड़ पाएगा तो उन लोगों को स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये एडिशनल डोज होता है या फिर थर्ड डोज होता है अब देखिए यहाँ पर इसको थर्ड डोज नाम इसलिए अब नहीं बोला जा रहा है क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन वैसे अगर आप देखोगे तो उनमें दो डोज होता है जैसे कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड भारत के अंदर जो लग रहे हैं दो दो डोज दिया जा रहा है फुल वैक्सीनेशन लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन है वो सिर्फ एक डोज है तो अब एक डोज दिया जाएगा तो अब मान लो इनके लिए तो एडिशनल डोज मतलब सेकेंड हो गया, लेकिन कोविशील्ड और को वालों के लिए कंफ्यूजन तो तो को हटाने के लिए तो आगे अगर प्लानिंग की जाएगी उन लोगों को यह वैक्सीन दिया जाएगा जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है सिवियरली कॉम्प्रोमाइज है या फिर मॉडरेट कॉम्प्रोमाइज है तो उसको एडिशनल डोज के तौर पर बोला जाएगा तो आई होप की आप समझ पा रहे हो पीपल

बूस्टर शॉट क्या है ये सभी के लिए है जहां तक एडिशनल डोज की बात थी मैंने आपको बताया ये सिर्फ स्पेसिफिक उन लोगों के लिए होगा जो कि इम्यून सिस्टम जिनका कॉम्प्रोमाइज है लेकिन बूस्टर शॉट बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है मतलब सभी लोगों को दिया जाता है यहां पर सरकार तय करती है साइंटिस्ट तय करते हैं उसको लेकर जब यहां पर यह दिखता है जैसे कि मान लो देश के अंदर सभी लोग फुल्ली वैक्सीनेट हो गए सबको यहां पर वैक्सीन दिया जा चुका है लेकिन कुछ समय के बाद छह महीने के बाद एक साल के बाद डेढ़ साल के बाद ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में जो वैक्सीन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है जैसे रिसेंटली आप सुन रहे हो ओमिक्रोन आने की वजह से अभी तक जो टेस्टिंग की गई है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो पहले के डोजेस लगे हुए हैं लोगों को तो ऑटोमेटिकली क्या है ओमिक्रोन यहां पर हो सकता है फिर भी एंटर कर जाए बॉडी में क्यों क्योंकि यहां पर इम, जो जो फुल फुली डोज लेने के बावजूद भी कुछ समय के बाद छह महीने के बाद एक साल के बाद यहां पर

देखना चाहो तो इसको फर्दर आप यहां पर पढ़ सकते हो कि कोविड 19 बूस्टर शॉट यहां पर सभी लोगों के लिए एक प्रकार से होगा अगर सरकार तय करती है लेकिन एडिशनल जो डोज की हम बात करते हैं या फिर थर्ड डोज की बात करते हैं वो कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए होगा और स्पेशली उन लोगों के लिए जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट है ठीक है अब उसका इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो जाता है किसी को ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हुआ है तो ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कम है तो वहां पर उसको एडिशनल डोज दिया जाता है केस बाय केस बेसिस पर लेकिन बूस्टर शॉट जैसे मैंने बताया ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा लेकिन यहां पर जाने से पहले एक और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए यहां पर कुछ लोगों का द्वारा कहा जा रहा है कि क्या डोज में भी अंतर होगा देखो जो एडिशनल कोविड डोज होगा ना जो कुछ ही लोगों को केस बाय केस बेसिस दिया जाएगा वो फुल डोज होगा मतलब कि मान के चलो आपने को वैक्सीन लिया तो कोवैक्सीन के अंदर 5 एम होता है जो इंजेक्ट किया जाता है 5 एम की जो है इंजेक्ट किया जाएगा दोनों डोज में पहला और दूसरा डोज तो इसमें एडिशनल डोज के, के केस में यहां पर वो भी 5 एम होगा लेकिन बूस्टर शॉट के, के केस में हो सकता है कि यहां पर ये थोड़ा सा कम हो जाए फाइव एम की जगह बूस्ट क्योंकि आप बूस्ट कर रहे हो ना तो मे भी साइंटिफिक स्टडी करने के बाद डिसाइड होगा कि थ्री एम होगा कि फोर एम होगा ये कम हो सकता है हो सकता है फाइव एम भी हो लेकिन उसको हम बूस्टर शॉट फिर कहा जाएगा और एक्सपर्ट्स का भी फर्दर कहना है कि हो सकता है इसकी वजह से साइड इफेक्ट भी ज्यादा हो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है लेकिन ये सारी चीजें साइंटिफिक स्टडी के बाद ही पता करी जाएंगी बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट आपको जो एडिशनल कोविड डोज और बूस्टर शॉट है ये जो बार बार बोला जाता है वो डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ हाइपर ये आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ हाइपर मेट्रोपिया चार स्टेटमेंट है इसका जो राइट right आंसर है आपको पता ही है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे एनसी यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम टल दें थैंक यू वेरी मच सी यू सुन